हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, जिस पर बात करने जा रहा हूँ, वह है अलंकार। कवि जब कविताओं को रचता है तो उन कविताओं में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, उनको और मज़ेदार बनाने के लिए, अगर हम साधारण शब्दों में कहें, उसमें और रस उत्पन्न करने के लिए उसे अलंकृत करता है। भूषण बिना न सोहई कविता वनिता मित। कविता और वनिता, स्त्रियां, इन दोनों को आभूषणों की जरूरत होती है। तो जो आभूषण कवि अपनी कविताओं को पहनाता है वही अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। साधारणतः ऐसे ही इसको समझना चाहिए। मैंने आज ज्यादा अलंकार नहीं लिए, सिर्फ 5 लिए। 2 लिए हैं यमक और श्लेष। इन दोनों को मैंने इसलिए लिया है कि इन दोनों में अक्सर भ्रम होता है कि कौन सा, श्लेष को लोग यमक कह बैठते हैं या यमक को श्लेष समझ बैठते हैं। तो वो भ्रम आपका दूर हो जाएगा आज की इस कक्षा के बाद। बाकी 3 जो मैंने लिए हैं वो भी बहुत करीब के अलंकार हैं। वो बहुत ऐसा लगता है कि छात्रों को, विशेषतः जो ठीक से नहीं समझ पाए हैं अलंकारों को, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये 3 अलंकार भी बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने इन 3 अलंकारों को भी आज लिया है। बाकी अलंकार तो बहुत सारे हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार बहुत सारे हैं। उन बहुत सारे अलंकारों पर बात करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, आज उसकी सीमा है। तो मैं ये 5 अलंकार लेता हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ध्यानपूर्वक जब सुनेंगे तो निश्चित ही आप बढ़िया से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यमक और श्लेष। यमक का अर्थ होता है 2 जुड़वा। तो कवि जब एक ही रचना में, एक ही पंक्ति में बल्कि कहें, 2 शब्दों का प्रयोग करता है या एक शब्द का प्रयोग 2 बार करता है, 2 शब्दों का प्रयोग नहीं, एक शब्दों का प्रयोग 2 बार करता है, किंतु दोनों बार उन शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। जुड़वां शब्द हैं, एक ही शब्द हैं, 2 बार आ रहे हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत आसान उदाहरण। अब सजना और सजना 2 बार आया, लेकिन एक बार क्रिया है, एक बार संज्ञा है। सजना है मुझे सजना के लिए, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा और घटा 2 बार आया, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही प्रयोग जब कवि अपनी रचनाओं में करता है, मेरी खुद की रचनाओं में भी यमक का प्रयोग बहुत मुझे आनंदित करता है और पाठकों और श्रोताओं को भी रसमग्न कर देता है। जैसे उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जन, वा पाए बौराय। बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है नीति से संबंधित। इसमें आप देखेंगे कि कनक और कनक 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है 16, एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो धतूरे में
सोने से 100 गुना ज्यादा नशा है, क्योंकि सोने को धतूरे को तो खाता है आदमी तब बौराता है, तब उसका दिमाग काम करना बंद होता है। सोने को पाकर ही दिमाग खराब हो जाता है। सोने में ज्यादा नशा है, ऐश्वर्य में, धन में बहुत नशा है, आपके दिमाग को खराब कर सकता है वो। तो ये यहां पर हम देखते हैं यमक अलंकार का उदाहरण। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे एक उदाहरण आप देखें रसखान के सवैया में, वो बड़ा आपको मजा देगा कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गराय पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भाव तो ही मेरा रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरा न धराऊंगी, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, यहां पर गोपियां बहुत निराश हैं, बहुत विरह में हैं। दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि ऐसा करो कि जब तक कृष्ण नहीं आते हैं तब तक तुम ही कृष्ण बन जाओ, हम लोग कृष्ण कृष्ण खेलें, तुम कृष्ण बन जाओ। वो सखी कहती है, देखिए रसखान, एक हम आज हिंदू मुसलमान करके लड़ते रहते हैं, रसखान ने कितनी रससिक्त बात कही है कृष्ण को लेकर, के वो कहती है कि मैं सब करूंगी, सारा स्वांग करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गरय पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, ये सारा काम करूंगी मैं, लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धराऊंगी, जो मुरली यहां सौतिया डाह है कि ये इस निगोड़ी मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जिन होठों पर हमारा अधिकार है, कृष्ण के जिन होठों पर, वहां ये खेलती रहती है, और जो हमारा समय होना चाहिए कृष्ण इसको देते हैं, तो ये मेरी सौत है, इस वजह से अधरा। अब यहां पर देखिए यमक कितना बढ़िया चमत्कार पूर्ण और कितना सौंदर्य बढ़ गया, अधरा अधरान धरी, अधर मतलब होठ, अधरान हो गया तो होठ का बहुवचन, होठों, होठों पर धरी रहती है, उसे मैं अधरा न धराऊंगी। अब ये अधरान और अधरान दो बार प्रयुक्त हुआ, ये भंग यमक है, और वो जो था कनक कनक ये अभंग यमक था, यहां अभंग नहीं, भंग नहीं करना था, यहां पे भंग हो गया, अधरा अधरान जो है इसका न टूट के अलग हो गया, यमक है लेकिन ये सभंग यमक है, भंगित हो गया। तो ये यमक अलंकार आपने समझ लिया मेरे ख्याल से, अब यमक अलंकार को समझने में आपको, उसको पकड़ने में कहीं परेशानी नहीं होगी, और भी उदाहरण आप स्वयं देख लेंगे तो ये क्लियर है। श्लेष में क्या है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। आप ऐसे भी बातचीत, सामान्य बातचीत के क्रम में हम कहते हैं कि उसकी बातें बड़ी श्लिष्ट होती हैं, समझना मुश्किल है, तो श्लिष्ट का मतलब होता है कि कोई एक बात कहे और उसमें कई बातें, कई अर्थ उसके निकले। यहां पर था एक शब्द दो बार कहा गया, फर्क समझिए, और इसीलिए मैंने इन दोनों अलंकारों को लिया है कि एक शब्द दो बार कहा गया, दोनों बार अलग अलग अर्थ थे, लेकिन जब एक ही शब्द एक ही बार कहा जाए और कवि उसी में कई अर्थ चिपका दे, श्लिष्ट कर दे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी एक शब्द है, ये जो पानी बार बार आ रहा है आप ये ना समझें, यहां भ्रम होता है। अब यहां पानी चूंकि दो बार आया है, यमक में दो बार आ सकता है, तीन बार आ सकता है, एक शब्द दो बार तीन बार भी आ सकता है अलग अलग अर्थों के साथ। यहां आपको लग रहा है कि एक ही शब्द दो बार तीन बार आ रहा है तो यमक तो नहीं है, नहीं है, तीनों बार जो पानी आ रहा है वो पानी ही है, उसका अलग अलग अर्थ।
वो हर पानी में तीन अर्थ चिपके हुए हैं। जहां भी पानी आया है, रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि कहते हैं कि पानी रखिए, पानी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती से पानी निकल जाए, अब यहां पानी का अर्थ अलग है, उसके लिए अलग से कवि ने नहीं लिखा, एक ही पानी में डाल दिया, तीनों के अर्थ चमक आग तेज। मोती से चमक निकल जाए, उसका पानीदार मोती होना चाहिए, तब उसका वैल्यू है। पानी निकल गया, उसका वैल्यू खत्म हो गया। मानस मनुष्य, मनुष्य पानी वाला होना चाहिए, आत्मगौरव वाला होना चाहिए, आत्माभिमान वाला होना चाहिए, तो वो पानी, उसके लिए अलग अर्थ हो गया। चून चूना, चूना में पानी होना चाहिए, ये पानी का जो अर्थ पानी है वो सामान्य अर्थ यहां है। तो एक ही शब्द में तीन अर्थ कवि ने चिपकाए हैं। एक उदाहरण मैं आप और दूंगा तो शायद ये पूरा स्पष्ट हो जाए। एक उदाहरण है, बिहारी का एक दोहा है और बड़ा बढ़िया दोहा है, इसलिए मैं उस दोहे को पूरा लिखूंगा कि चरण धरत चिंता करत चितवत हैं चहु ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये दोहा है, चरण धरत चिंता करत चितवत हैं चहु ओर। जिन्होंने अलंकार पढ़ा है आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से पंक्ति की शोभा बढ़ गई है। अनुप्रास अलंकार में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप छात्र हैं, कि च च च च की आवृत्ति है। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चाची को चटनी चटाई, तो ये भूषण भोजनालय के भक्तगण, ये अनुप्रास अलंकार है, उससे शोभा बढ़ती है। उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे बात करना है श्लेष पर। यहां यह शब्द श्लिष्ट है, इसमें भी तीन अर्थ चिपके हुए हैं। कवि की जहां न पहुंचे क्या क्या करते हैं कवि, वो वैज्ञानिक से कम नहीं है। और कविता रचना और अलंकृत कविता रचना कोई मामूली चैलेंज नहीं है। तो ये आचार्य लोग हैं, बिहारी का ये दोहा है। तीन लोग हैं, कवि व्यभिचारी चोर, तीनों में आम तौर पर आम जन को कोई समानता नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन एक कवि वही होता है जहां जो आम लोगों को न दिखे वो भी देख ले, तो ये कवि की खसूसियत है। कहते हैं बिहारी कि कवि व्यभिचारी और चोर में बहुत सारी समानताएं हैं। चरण धरत चिंता करत, जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो चिंतन करते हैं, चिंतित करते हैं। कवि भी चिंतन करता है, व्यभिचारी भी चिंतन करता है, उस गली में सुरक्षित रहेगा कि उस गली में सुरक्षित रहेगा, वो वाली बढ़िया है कि वो वाली बढ़िया है। कवि भी चिंतन करता है कि दक्षिण पंथ के समर्थन में लिखा जाए कि वामवाद के समर्थन में लिखा जाए, कौन सा समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी है। चोर भी देखता है कि कहाँ खतरा कम है और माल ज़्यादा मिलेगा, चिंतन वो भी करता है। चरण धरत चिंता करे और चितवत हैं चहुओर, देखेगा चारों तरफ, तीनों देखेगा, नहीं देखेगा
तो व्यभिचारी का भी काम खराब हो जाएगा, चोर को ही पकड़े जाने की संभावना होगी, चारों तरफ देख के उन्हें निर्धारित करेगा, अपना सेफ रास्ता खोजेगा। कवि भी उसको तो उपादान ही चूंकि समाज से लेना है, प्रकृति से लेना है, तो वो भी निरीक्षण करेगा। इसलिए तीनों चारों तरफ देखते हैं। और मजे की बात यह है, अब देखिए यहां पर कवि का चमत्कार, खोजते भी तीनों एक ही चीज को हैं, सुबरन। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि भी सुबरन खोज रहा है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो गया स्वर्ण। स्वर्ण धन का प्रतीक मान लें हम इसको, धन खोज रहा है वो। व्यभिचारी सुवर्ण खोज रहा है। वर्ण का मतलब कलर होता है, भय से उसका मुख विवर्ण हो गया, सफेद पड़ गया, विवर्ण हो गया, कलरहीन हो गया, तो वर्ण का मतलब कलर होता है। तो व्यभिचारी सुवर्ण खोज रहा है, गोरनार तनी। कवि स्वर्ण, माफ करिएगा मैंने चोर के लिए लिख दिया था, कवि स्वर्ण खोज रहा है। सुंदर अक्षर या शब्द कवि ये खोज रहा है, व्यभिचारी सुवर्ण खोज रहा है, चोर स्वर्ण खोज रहा है। तीनों अर्थ इसमें कवि ने चिपका दिए। अब ये पाठकों और श्रोताओं का जिम्मा है कि उन तीनों अर्थों को इसमें से निकाले। ये श्लेष अलंकार होता है। मेरा ख्याल है कि यमक और श्लेष के जो अंतर हैं उसको तो आप समझ ही गए होंगे, और इन दोनों अलंकारों को उनके अपने रूप में भी आपने समझ लिया होगा। अब मैं उन तीन अलंकारों पर आऊं जो बहुत करीब हैं एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा करीब हैं। भ्रम होता है कि कौन सा रूपक है, कौन सी का अलंकार उत्प्रेक्षा है और कौन सा अलंकार उपमा है। तीनों को एक एक करके देखते हैं। उपमा को ठीक से समझना है। अक्सर लोग भ्रम में पड़ते हैं कि ये क्या है, सबसे आसान है चंद्रमा जैसा मुखड़ा, कमल के जैसा हाथ, उपमा उपमित कर रहे हैं हम, विश्व की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उससे किसी को उपमित करना। इतना ही नहीं है, उपमा के कई भेद हैं। मैं उन सारे भेदों में नहीं जाऊंगा और शायद आप बीए तक में उसकी ज़रूरत भी नहीं है, स्नातक तक में उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उपमा को ही समझ लीजिए ठीक से, काफ़ी है आपके लिए। लेकिन उपमा को भी ठीक से समझना चाहिए, आसान नहीं है। ये तो समझते हैं हम कि किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को विश्व की किसी प्रसिद्ध वस्तु से जिसके बारे में सबको पता हो उससे उपमित करना उपमा अलंकार है। पत्थर सिंह हो मांसपेशियां, अब मांसपेशियों के मजबूती के बारे में अगर कवि को बताना है तो वो उसको पत्थर से उपमित करेगा। चांद जैसा मुखड़ा, मुखड़े को चांद से उपमित करता है, ये उपमा और उपमान उपमा अलंकार है। इसके चार अवयव हैं, ये अधिकतर छात्र नहीं समझते हैं, उसको जरूर आप समझ लीजिए कि चार अवयव हैं उसके। उपमेय,
उपमान वाचक शब्द और समान धर्म। उपमेय मुखड़ा, उपमान चंद्रमा, वाचक शब्द जैसा, समान धर्म। उसका मुखड़ा चंद्रमा जैसा सुंदर है, जैसा के समान, सदृश, सरिस, बहुत सारे शब्द वाचक शब्द के रूप में आते हैं। लेकिन ये चार चीजें होनी चाहिए, क्योंकि समान धर्म अगर नहीं रहेगा तो उपमा अलंकार नहीं हुआ, तो उपमा अलंकार नहीं हुआ। समान धर्म जरूरी है। ये चार अवयव हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन चारों, पहले एक उदाहरण देख लें तब मैं उस पर आता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यहां पे अनुप्रास है, सरिस मन डोला। पीपल कहां से खोजा उन्होंने उपमा? पीपल का पत्ता जैसे डोलता है, कम हवा भी रहती है, बाकी पत्ते नहीं डोलते, लेकिन आप पीपल के पत्तों को देखिए तो डोलता है। प्रकृति से देखते हैं कवि और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। वो आम के पत्तों जैसा भी डोला सकते थे, लेकिन आम का पत्ता जब आंधी आती है तब डोलता है। पीपल का पत्ता बहुत कम हवा में बहुत डोलने लगता है। तो वहां पर पीपल के पत्ते से उपमा दी गई है, पीपल पात सरिस मन डोला। उपमेय हो गया मन, पत्ता सरिस डोला, दोनों डोल रहे हैं, समान धर्म है डोलना। यह उदाहरण आपने समझ लिया। अब इसमें सिर्फ कई प्रकार हैं उपमा के। मालो उपमा है, जब उपमा के उपमाओं की झड़ी लग जाए तो मालो उपमा होती है। कहीं ऐसा होता है कि एक उपमान, एक उपमेय का एक उपमान हुआ और फिर उस उपमान का दूसरा उपमान हुआ, उपमान उपमेय हो गया और वो उपमान हो गया, फिर ये उपमेय हो गया, दूसरा उसका उपमान हो गया। तो उसमें आप मत जाइए, एमए में आइएगा तो उसमें जाएंगे हम लोग। अभी बीए के लिए आपको बस उतना ही तक रुकना है कि लुप्तोपमा समझ लीजिए और पूर्णोपमा समझ लीजिए। जब ये चारों अवयव रहें तो वो पूर्णोपमा है। जब इनमें से कोई एक या कोई दो गायब रहे वहां भी उपमा है, लेकिन वो लुप्तोपमा है। बाकी अवयव उसके हैं लेकिन लुप्त हैं। वो श्रोता को या पाठक को खुद कल्पना करना पड़ेगा। जैसे उसका मुखड़ा चांद जैसा है, अब यहां पर समान धर्म गायब है लेकिन उपमा है। पाठक को कल्पना करना पड़ेगा कि चांद जैसा है, इसका मतलब चांद जैसा सुंदर है। अब वो अगर पाठक कल्पना कर लेगा कि चांद जैसा सुंदर है, बीच में काला धब्बा है, तो पाठक रसिक व्यक्ति नहीं है, वो साहित्य का व्यक्ति नहीं है। उसको यही कल्पना करना होगा कि चंद्रमा जैसा सुंदर है। उपमा अलंकार की बात चली और विद्यापति की बात ना हो तो शायद ये कक्षा नीरस हो जाएगी। मुझे बहुत भाते हैं विद्यापति। अब आधुनिक युग में आके जब प्रयोगवादी काल आया हिंदी साहित्य में, तो कवियों ने नए नए उपमान ढूंढने से शुरू किए। अज्ञेय ने तो साफ कह दिया कि यदि मैं तुम्हें ये नहीं कहता, अब याद नहीं आ रही पंक्तियां, चांद नहीं कहता और वो नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर के हृदय का रस सूख गया है, इसलिए इन उपमाओं का मैं प्रयोग नहीं करता, क्योंकि ये पुराने पड़ चुके हैं,
यूज हो के, अब आप अपनी प्रेयसी को भी अगर कोई कहे कि तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है तो बोले कि भागो ना, क्या आप घिसी पेटी बात बोलते हो, प्रभावित नहीं होगी। नए उपमान ढूंढ रहे हैं हम लोग। विद्यापति ने उपमान वही यूज किए, लेकिन उनके यूज करने का तरीका इतना शानदार था कि मजा आ जाता है। एक उदाहरण देता हूं, चिकुर गरे सिमुख डर रोए अन्हार, चिकुर गरे जल धार। मजा देखिए इसका। नायिका सद्य स्नाता है, मतलब तुरंत नहा के निकली है जलाशय से। आप वॉशरूम से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहां जब विद्यापति ने लिखा तो वॉशरूम का कंसेप्ट नहीं था। जलाशय से, नदी से या सरोवर से नहा के निकली है नायिका, और चिकुर उसके जुल्फों से जलधार पानी टपक रहा है। अब उपमा अलंकार का मजा देखिए और उनके प्रयोग का तरीका देखिए। जुल्फों की उपमा परंपरा है, अंधेरे से दी जाती है। अमावस्या की घनी काली रात है, तुम्हारी जुल्फें अंधेरे से दी जाती है। आंसुओं की उपमा या मुखड़े की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। यहां पर विद्यापति ने वही किया है, चंद्रमा की उपमा मुखड़े की उपमा चंद्रमा से दी है। मुखड़े को चंद्रमा से उपमित किया, जुल्फों को घनेरी रात से, अंधेरे से उपमित किया। लेकिन कैसे किया? चिकुर गरे जलधार जनी शशि मुख डर, चंद्रमा रूपी मुखड़े के डर से रोए अन्हार, या अंधेरा जो है वो रो रहा है। अंधेरा चंद्रमा से डरता है, ये स्थापित सत्य है कि अंधेरा को चंद्रमा से डर लगता है, अंधेरे को। तो यहां जो अंधेरा है वो इस चंद्रमा के डर से रो रहा है। देखिए कितना नूतन प्रयोग है। उपमा वही है, चंद्रमा के लिए मुखड़े का, ये पुराना परंपरागत उपमा है। अंधेरे की उपमा भी उन्होंने वहीं से ली, परंपरा से ही ली, लेकिन उसका प्रयोग नए तरीके से किया, इसलिए मजा बढ़ गया। ये उपमा है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि वहां भी उपमान और उपमेय दोनों हैं, लेकिन वहां संभावना व्यक्त की जाती है। मानो वहां भी वाचक शब्द है, वहां का वाचक शब्द होता है मानो, मनु, जनु, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मनी शैल पर आतप परयो प्रभात। कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र वैसे ही शोभा दे रहा है मानो नील, मनो नील मनी शैल, नील मणि पर्वत जो है उस पर प्रभात, सुबह की किरणें, पीली किरणें आके पड़ रही हूं। श्याम, कृष्ण का शरीर काला है, सांवला है, और उस पर पीला वस्त्र वैसे ही शोभा पा रहा है मानो, सदृश नहीं, सदृश हो जाएगा उपमा हो जाएगा, फर्क है। यहां पर वाचक शब्द भी बदल गया, यह फर्क आपको समझना पड़ेगा। यहां पर बच्चों को भ्रम होता है। उपमान और उपमेन में, उपमेय में सादृश्य नहीं रहेगा, वो संभावना व्यक्त की जाएगी। ये हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार।
अब आता है रूपक। यहां भी उपमान उपमेय है, लेकिन उपमान का आरोप उपमेय पर होता है। मतलब तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, इसको ठीक से सुनिएगा तो तीनों का फर्क क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, उपमा अलंकार। तुम्हारा मुखड़ा ऐसा है मानो चंद्रमा है, रूपक अलंकार। तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा है, सॉरी, तुम्हारा मुखड़ा ऐसा है मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा ही है, रूपक अलंकार। मानो भी नहीं, सदृश भी नहीं, एकदम चांद ही है, रूपक अलंकार। यहां फर्क पड़ गया, इस फर्क को समझना जरूरी है। रूपक के उदाहरण मैं देता हूं आपको कुछ। एक उदाहरण जो मुझे बहुत प्रिय है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं के जागरण गीत है वो, यहां भी आप देखेंगे कि कवि जब प्रातः काल होता है तो प्रकृति में क्या घटनाएं घटती हैं। आकाश को आप देखिए, तारे डूब रहे होते हैं। आम लोगों को इतना ही दिखाई पड़ रहा है कि सुबह हुआ चाहती है, तारे आकाश में तिरोहित हो रहे हैं, डूब रहे हैं। एक कवि इसी घटना को कैसे देखता है, आइए जयशंकर प्रसाद की दृष्टि से इसी दृश्य को देखें। पहली पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी। सखी अपनी सखी को उठा रही है, जगा रही है कि रात खत्म हो गई, अब जगो। अब वो कैसे जाने कि रात खत्म हो गई, अभी सोने दो, अभी तो रात है। तो नहीं, अब देखिए, अब वो प्रमाण देती है। सुबह में क्या होता है, गांव की जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो गगरी लेती हैं, जलाशय की ओर जाती हैं और उसमें डुबा के पानी भरती, ठीक है। ये सुबह का आम दृश्य है, जिस समय ये रचनाएं की गई। अभी भी आप गांव में चले जाइए तो ये दृश्य आम दिखाई पड़ता है। ये दृश्य अगर नहीं होता तो कृष्ण को उतना अवसर नहीं मिलता फ्लर्टिंग करने का। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि रूपक अलंकार के ही बहुत भेद हैं। आप जब स्नातकोत्तर की कक्षा में पहुंचेंगे तो वहां उन भेदों से आप परिचित हों तो ज़्यादा बेहतर। कोई ज़्यादा उत्सुक छात्र हैं तो पढ़ के आप सीख लीजिए, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, समयाभाव है। अभी आप सिर्फ रूपक को देख लीजिए। यहाँ पर तीन जगह एकदम झड़ी लगा दी है जयशंकर प्रसाद ने रूपक अलंकार की। सुबह हो गई उठो, सुबह होने का प्रमाण यह है कि अंबर रूपी पनघट में एक क्रिया धरती पर हो रही है, एक क्रिया आसमान में हो रही है, और कैसे एक कवि दोनों में सादृश्य देखता है। यह भी कवियों को मैं इसलिए वैज्ञानिक के रूप में देखता हूं, यह विज्ञान है, कला तो है ही लेकिन यह विज्ञान भी है। अंबर रूपी पनघट में, अंबर जैसे पनघट में नहीं है, अंबर ही पनघट हो गया। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी युवती डुबो रही है, ये प्रमाण है सुबह होने का। देखिए रूपक कितना मजा आएगा अगर इसके अर्थ को समझिए आप, कितना आनंद आता है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी युवती, प्रातः काल उषा, उसको युवती के रूप में देखा कवि ने, उषा रूपी युवती डुबो रही। तो
एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, इन तीनों में उपमान होता है, तीनों में उपमेय होता है, लेकिन एक में उसकी उसके उसका सादृश्य स्थापित किया जाता है कि उसी के जैसा है, दूसरे में उत्प्रेक्षा में उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, यह ऐसा है मानो वैसा हो, उसकी मांसपेशियां इतनी सख्त हैं मानो पत्थर हो, मानो चट्टान हो। और रूपक में उपमान का आरोप कर दिया जाता है उपमेय में कि वो तारा घड़ा नहीं है, वो तारा नहीं है, वो घड़ा है, वो आकाश नहीं है, वो जलाशय है। तो ये मुख्यतः तीन जो अलंकार हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं छात्रों को, मुझे लगता है कि इस कक्षा के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाद में फिर कभी हम मिलेंगे तो हम बताएंगे कि उपमान और उपमेय को लेके और भी अलंकार हैं। उपमान और उपमेय को पलट दीजिए तो प्रतीप अलंकार हो जाए। अगर कोई कहे कि यह पत्थर तो भीमसेन की मांसपेशियों की तरह कठोर है, अब यहां प्रतीप अलंकार हो गया, अब मांसपेशियां उपमान का काम कर रही हैं और पत्थर उपमेय का काम कर रहा है। तो इस पर कभी फिर चर्चा होगी। आज आप लोगों ने सुना, आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कक्षा समाप्त करता हूं। बहुत बहुत